हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं सर्दियों के सीज़न की जो सब्जियाँ होती हैं उनको जमने की रिक्वायरमेंट या उनके जर्मिनेशन की अलग अलग कंडीशंस क्या होती हैं। पर उससे पहले, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ। तो हर बीज की, हर तरह के बीज की टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, लाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको उन्हीं यही सब जानकारी देने की कोशिश करूँगा। पर उससे पहले कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है कि जब मैं बात करता हूँ जब टेम्परेचर की, तो ये जो आइडियल टेम्परेचर रेंज है इसका मतलब हुआ दिन के टेम्परेचर का, दिन के समय का टेम्परेचर इतना होना चाहिए। रात के समय का टेम्परेचर 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। और जब ये आइडियल टेम्परेचर रेंज है तो इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर के बीच में जो जर्मिनेशन का रेट होगा आपका सबसे ज़्यादा होगा। कोई भी ड्रास्टिक अगर चेंज होता है टेम्परेचर में तो फिर मतलब जो जर्मिनेशन रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। कई सारे बीज ऐसे होते हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं, उसके आगे आपको CC लिखा मिलेगा, कैन कवर द सीड। तो उनको कोशिश करिएगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सतह के पास, पॉटिंग मिक्स की सतह के पास रहे उतना अच्छा है। उनको आप पॉटिंग मिक्स से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ चाहे तो आप उसको क्लियर प्लास्टिक या फिर अखबार से या ब्लैक पॉलिथीन से भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ उसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।